नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी गोदी मीडिया अक्सर ही अपनी बेइज्जती करवाते हुए चर्चा में रहते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही के दिन यूपी के इलेक्शन के विषय पर इंटरव्यू के दौरान जब अखिलेश यादव जी ने गोदी मीडिया को ईमानदार कहा तो चाटुकार कैसे तिल मिला उठे। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने क्या दिया है, और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार है। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप? आपके भी मन में कुछ सवाल आएंगे। तो आप मेरा वोट जानना चाह रहे हैं? मैं वोट नहीं जानना चाहता हूँ, मैं आपके मन से ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। आपकी तो आपकी बिजली नहीं आती, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। मैं नाम गिनाता हूँ, मैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे इसके बाद, उन्हें जवाब देना होगा। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तुम्हारी सरकार में बना, बड़ा था। पता मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? आप बताइए, सच्चे पत्रकार हैं आप, अगर सच्चे पत्रकार हैं तो ये आप बताइए मुझे। ये तो भाजपा को तय करना है, नहीं भाजपा अपनी पार्टी में किसको रखे, पत्रकार निष्पक्ष होता है। अब मैं बोल सकता हूँ कि पुष्पराज जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले, मैं पुष्पराज जैन मेरे पार्टी के हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं जी। तो मैं ये आप जानना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का हेड है, क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अगली वीडियो में हम देखेंगे जब अखिलेश यादव जी ने अंजना ओम कश्यप को ईमानदार बोला तो कैसे अंजना ओम कश्यप तिल मिला उठी। सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दे तो मैं। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है? सच बता रहा हूँ मैं। मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी आप तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप, और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए, आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, और जो NCRV के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 है। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब। ईमानदार नेता जी, समाजवादी एक्सप्रेस वे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही है। मेरा रंग बता रहा है, मतलब ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप आगे से किसी को ईमानदार बोले तो वो इन मैडम की तरह कहीं तिल मिला ना उठे। आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोको राज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आप इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टांस लेने की क्यों जरूरत है। अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अखिलेश यादव जी आप भी जानते हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं, मेरा भी अधिकार ये है
मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से, हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।